माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आज यहाँ पर सदन में अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं दिल की गहराई से इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैंने और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का बहुत अध्ययन किया है और उनको भी यह याद होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देसी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। मुझे याद है सिक्किम भी उनमें से एक है, जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे कि अन्य दूसरे राज्य हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग सारी जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, उसको पिछले 30 वर्षों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद सब हमारा है, संरक्षण देना या मिलना चाहिए। आज इतने वर्षों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का मौका आया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभापति महोदय, मैं आज यह भी कहना चाहता हूँ कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 4 दशकों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधों का बढ़ाने और बेरोजगारी हटाने के संबंध में हो, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सकी, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब समय आ गया है जब हमको अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम राज्य का अधिक ध्यान रखना होगा। सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सिक्किम की जनता जो पिछले कई वर्षों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने का प्रयत्न करती रही, उसकी इस मांग की ओर भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस मसले पर निर्णय लेने में शुरू से ही देरी हुई है और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर
आया है।